Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in this video we are going to discuss a very important topic, that is about original jurisdiction of Supreme Court, which is included in Article 104. But before starting my topic, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. So Article 184 की Clause 1 जो है वो कहती है कि Supreme Court जो है बाकी तमाम courts को छोड़कर exclude करके जो बाकी तमाम courts हैं Supreme Court के पास original jurisdiction है in any dispute between any two or more government के जो दो governments के दरमियान जो डिस्प्यूट है उनको सॉल्व करने के लिए उनको सेटल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास बाकी तमाम अदालतों को छोड़कर ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है. ठीक है, अब यहाँ पे वो एक्सप्लेन किया गया है वर्ड गवर्नमेंट को. तो जो क्लास वन के अंदर लफ्स गवर्नमेंट यूज़ हुआ है उसका मतलब है प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत. नेक्स्ट है हमारी क्लास टू. क्लास टू क्या कहती है कि अपनी जुरिस्टिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए, अपनी जुरिस्टिक्शंस को इस्तेमाल करते हुए, अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है जब अपनी जजमेंट देगी तो उस जजमेंट के अंदर जो वर्ड लिखा जाएगा वो डिक्लेरेटरी लिखा जाएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिक्लेरेटरी जजमेंट दे रही है. नेक्स्ट जो क्लॉज है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लॉज है जिसको हम मेन क्लॉज कहते हैं जुरिस्टिक्शंस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास सू मोटो एक्शन का की जुरिस्टिक्शन है. आज खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट के पास सू मोटो एक्शन है. तो ये सू मोटो एक्शन सुप्रीम कोर्ट कहाँ लेती है, जब कोई फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है, जब किसी फंडामेंटल राइट की वॉयलेशन होती है. फंडामेंटल राइट्स जो कि हमने आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 में पढ़े थे, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, सू मोटो एक्शन लेती है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ दैट वेरी फंडामेंटल राइट. उस फंडामेंटल राइट की इन्फोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट सू मोटो एक्शन लेती है. ठीक है, इस अगर हम इस क्लॉज के अकॉर्डिंग देखें तो वो कहते हैं कि अगर कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस का कोई क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट की इन्फोर्समेंट से रिलेटेड, जो कि हमने चैप्टर 1 के पार्ट 2 में पढ़े थे आर्टिकल 8 से 28 तक, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पार है कि वो सू मोटो एक्शन ले फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ दैट वेरी फंडामेंटल राइट. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. इफ़ यू डू प्लीज़ कॉमेंट बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल.